तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। यहां आपको बताया जाता है डीडी फ्रीडिस में होने वाले प्रॉब्लम्स का अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDMI टू AV कन्वर्टर के बारे में, जिसका कनेक्शन करके दिखाऊँगा और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आप कौन से परिस्थिति में कब आपको इसे यूज करना, कब आप इसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस कमाल के वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं साइड और ये रहा आपका HDMI टू AV कन्वर्टर। तो और फ्रेंड्स, ये रहा इसका पावर केबल जिसके मदद से हम इसमें पावर देंगे। तो इसे हम यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मेट है NTSC और PAL का। तो ज़्यादा करके कोई भी चीज़ PAL में ही चलता है दोस्तों। वो बहुत पुराना वाला आता था, जो कैसेट रील वाला आता था, उसमें NTSC मोड चलता था। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका कनेक्शन कर लेते हैं हम अपने टेलीविज़न में। तो थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने टेलीविज़न को बैक साइड घुमा लिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे टीवी, जो पहले का टीवी आता था, टेलीविज़न आता था दोस्तों, उसमें इस प्रकार का HDMI पोर्ट नहीं होता था। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो और ये ऑडियो का ही फंक्शन होता था दोस्तों, बहुत पहले का टीवी में। आपके पास भी वैसा टीवी है पहले वाला और कुछ इस प्रकार का सेटअप बॉक्स है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ HDMI आउटपुट है, इसमें AV आउटपुट नहीं है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार का सेटअप बॉक्स है और सिर्फ AV वाला टेलीविज़न है आपके पास, तो आप इसे कैसे देख सकते हैं इस HDMI टू AV कन्वर्टर की मदद से, यही बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं इसमें जो वीडियो है उसको वीडियो में लगा दे रहा हूं, पीला वाला, और दो है ऑडियो जो वाइट है। आप देख पा रहे होंगे, ये वाइट वाला को मैं वाइट में लगा दे रहा हूँ और रेड वाले को रेड में लगा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ऐसा लगाने के बाद ये दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख भी रहा होगा जो कि आउटपुट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आउटपुट लिखा हुआ है, इसे आपको लगा देना है, वीडियो को वीडियो में लगा देना है, जो कि यहाँ पर ये रहा वीडियो और ये रहा ऑडियो। इस प्रकार से आपको लगा देना है और इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों, आपको इसमें एक पावर जाता है जो कि आप अपने सेटअप बॉक्स या टेलीविजन से दे सकते हैं। जो कि हमने वहां पे लगा दिया, आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर लगा दिया। अब इसमें हम लगा देते हैं HDMI केबल। ये लगाने के बाद दोस्तों, अब हम टेलीविजन को थोड़ा आगे की तरफ कर लेंगे। आप इस प्रकार से लगा लेंगे तो आपको ऐसा सिग्नल देखने को मिलेगा। उसके बाद इस केबल को हम इस वाले पोर्ट में लगा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से लगाने के बाद दोस्तों, हम सेटअप बॉक्स में पावर दे देंगे।
ये हमने दे दिया सेटअप बॉक्स में पावर दोस्तों। अब यहाँ पे ऑन हुआ, ये देखिए जियो का सेटअप बॉक्स है और ये पाल मोड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर HDMI को ए भी चलने वाले टीवी में कैसे कनेक्ट कर दिया हूँ। जिस टेलीविज़न में अगर AV का फंक्शन हो HDMI फंक्शन नहीं हो तो उस टीवी में आप इस तरह से कनेक्ट करके उससे देख सकते हैं जिस सेटअप बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ HDMI हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।